नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वसई विरार क्षेत्र से एक बाद एक लाशों के मिलने का सिलसिला है जारी। नाला सुपारा सेंट्रल पार्क में गटर में मिली अज्ञात लाश। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की हद में वसई विरार अंतर्गत लाशें बरामद होने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते तीन दिनों में शहर में एक के बाद एक तीन लाशें मिलने से एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र में भय का माहौल पैदा हो गया है। फिलहाल जो मामला है वह मामला है नाला सुपारे के तुलिन पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले सेंट्रल पार्क का, जहां एक नाले में एक अज्ञात शव कल शाम को बरामद हुआ। आपको बता दें कि नाला सुपारा पूर्व के सेंट्रल पार्क क्षेत्र के पीछे रेलवे कंपाउंड के बगल में कल शाम को लगभग 5 बजे के आसपास कुछ लोगों ने गटर के अंदर एक लाश देखी, जिसके बाद तुरंत ही लोगों ने तुलिंज पुलिस को घटना की जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को गटर से बाहर निकलवाने में जुट गई। शव की स्थिति देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि शव पिछले कई दिनों से गटर में पड़ा हो सकता है। उपरोक्त गटर रेलवे के ठीक बगल में स्थित मनपा की गटर है, जो कि खुली पड़ी है एवं जिसमें भारी भरकम गंदगी है, इसलिए यह लाश यहां कब और कैसे आई यह बताना बेहद मुश्किल है। फिलहाल पुलिस इस लाश की पहचान करने में जुट गई है। लगातार तीन दिनों से मिल रही लाशों के बाद अब सवाल यह उठता है कि आखिर वसई विरार क्षेत्र में इस तरह इन लाशों के मिलने का सिलसिला समाप्त कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।